नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। देखिए, कुछ ही दिनों बाद नया वर्ष आने वाला है और सभी लोग ये जानने को इच्छुक होते हैं कि उनका नया वर्ष किस प्रकार का रहने वाला है। तो मैं आपको आपकी राशि अनुसार ये बताने का प्रयास करूंगा कि आपका जो आने वाला वर्ष है वो किस प्रकार रहेगा। और ये वार्षिक राशिफल जो मैं बताने वाला हूँ वो 7 बिंदुओं पर डिपेंड करेगा, यानी 7 बिंदुओं को लेकर मैं आपको आपका राशिफल बताऊंगा। वो बिंदु कौन कौन से होंगे? व्यवसाय, धन संपत्ति, घर परिवार, स्वास्थ्य, यात्रा और तबादला, परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षा, धार्मिक कार्य तथा उपाय। इन्हीं 7 बिंदुओं के ऊपर मैं आपको पूरा वार्षिक राशिफल देने वाला हूँ। तो इसी कड़ी में आज मैं आपको बताने वाला हूँ मिथुन राशि के बारे में। आपने देखा होगा कि मेरे जो पिछले 2 वीडियो थे वो मेष और वृष राशि के बारे में था, आज मेरा वीडियो है मिथुन राशि के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पहले व्यवसाय की। तो ये वर्ष आपको मानसिक स्थिरता बढ़ाने वाला रहेगा तथा साथ ही आपके कार्यों में विलंब उत्पन्न करने वाला भी रहेगा। मतलब आपकी मानसिक स्थिरता तो बढ़ाई गई लेकिन साथ ही में आपके जो कार्य है वो उसमें विलंब उत्पन्न कर सकता है। किसी बात को लेकर तनाव की स्थिति बनेगी तथा वाद विवाद से आप घिरे रहेंगे। मतलब हो सकता है कोई ऐसी परिवार में या किसी दोस्तों में इस प्रकार की स्थिति बने जिससे वाद विवाद होए और ये स्थिति तनाव की स्थिति में परिवर्तित हो सकती है। लेकिन आप अपनी अच्छी छवि के चलते और अच्छे लोगों की मदद से इन सभी समस्याओं से आसानी से बाहर निकल सकते हो, क्योंकि आपकी छवि लोगों के बीच में या समाज के बीच में अच्छी है और आपको अच्छे लोग सहायता भी करते हैं। इस वजह से आप इस प्रकार की समस्या से बाहर आसानी से आ जाओगे और आपकी यही अच्छाई आपके कार्य क्षेत्र में भी अधिकारी वर्ग को आपके खिलाफ कोई डिसीजन लेने से रोकेगी। मतलब जो आपकी अच्छी छवि है उस कारण से जो आपके खिलाफ अधिकारी है वो भी आपके खिलाफ कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कोई ऐसे कदम नहीं उठा पाएंगे जिससे कि आपकी नौकरी जाए। शेयर मार्केट और जमीन का जो लेन देन है उसमें आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। चलिए बात कर लेते हैं धन संपत्ति की। तो आर्थिक आधार पर देखा जाए तो इस वर्ष आपको कोई अचल संपत्ति मिलने के योग बन रहे हैं। अगर आप अपना घर बनाने का सोच रहे हैं तो इसमें बाधा आ सकती है, लेकिन व्यापार में बढ़ोतरी की प्रबल संभावना बन रही है। मतलब ये सब होते हुए भी आपके जो व्यापार है वो बढ़ता रहेगा। कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचकर कुछ नया बनाने की में सफलता आपको मिल सकती है। हो सकता है कोई पुरानी प्रॉपर्टी आपकी पड़ी हो उसको आप बेच दें और उसके बदले आप कोई नया कुछ काम शुरू कर सकते हैं, कोई नया घर बना सकते हैं, कुछ भी नया कुछ आप इसमें कर सकते हैं और इसमें आपको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं घर परिवार की। तो मई जून के महीने में मांगलिक कार्य होने की संभावना है जिसके कारण परिवार में खुशी का वातावरण बना रहेगा। हो सकता है मई और जून के महीने में आपके घर में कोई शादी या कोई किसी प्रकार का मांगलिक कार्य संपन्न हो, इसके कारण परिवार में खुशी की जो वातावरण है खुशी का माहौल बना रहेगा तथा साथ ही आर्थिक मामलों में विशेष सफलता मिलने के योग भी इस समय बन रहे हैं। और यही वो समय होगा जब आपको आर्थिक मामलों में सफलता भी मिल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये वर्ष ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस वर्ष आपको पेट की समस्या, एलर्जी तथा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको पहली बात तो ये कि खान पान का ध्यान रखना है जिससे कि आपकी पेट की समस्या नहीं रहे। बाहर किसी इस प्रकार की चीज़ें नहीं खाना जो आपको एलर्जी देती हो। और सर्दी के मौसम में आपको अपनी स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है उसका आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हम यात्रा और तबादले की। तो इस वर्ष आपको तीर्थ यात्रा का मन बनेगा। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो दूरस्थ स्थान से स्थानांतरण हो सकता है, यानी कि अगर आप एक नौकरी किसी प्रकार की नौकरी कर रहे हैं, किसी फर्म में आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका जो ट्रांसफर है वो किसी दूर स्थान पर हो सकता है और साथ ही नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। यानी जब आपका ट्रांसफर होगा तो हो सकता है आपको नई जिम्मेदारी देकर वहाँ पर ट्रांसफर हो और विदेश यात्रा या विदेश भ्रमण का भी योग आपका बन रहा है। चलिए हम बात कर लेते हैं प्रतियोगिता परीक्षा की। तो अगर आप एक स्टूडेंट है तो इस वर्ष आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ही परिश्रम करना पड़ेगा। यानी कि आप चाहें, मतलब अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपको सफलता प्राप्त करनी है प्रतियोगिता परीक्षा में या किसी प्रकार की परीक्षा में, तो आपको इस साल बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा तभी आप इसमें सफलता प्राप्त कर पाओगे। और तथा साथ ही अपने दिमाग और मन को पूरी तरह से स्थिर रखना होगा तभी सफलता प्राप्त कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। यानी कुल मिला के आपको फोकस होना पड़ेगा। चलिए हम बात कर लेते हैं अब धार्मिक कार्य की, उपाय की। यानी कि इन सबको अगर आपको प्राप्त करना है तो आप क्या उपाय करें।
तो नीलम तथा पन्ना रत्न धारण करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी चीजों में आपको सफलता मिले तो नीलम या पन्ना आप धारण कर सकते हो। शनिवार को हनुमान जी तथा बुधवार को गणपति जी की आराधना करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। वृक्षारोपण करना भी आपके लिए लाभप्रद होगा। तो अगर ये उपाय आप करते हैं तो आपको सभी क्षेत्र में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नई राशि यानी कर्क राशि के बारे में आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप रहिए खुश। जय हिंद।